नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत से विकास कार्यों में करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप लगाते हुए 7 सभासदों ने आज अपना इस्तीफा एसडीएम को सौंप दिया। वहीं सभासदों के आरोप को नकारते हुए चेयरमैन ने से राजनीतिक साजिश के तहत उनको ब्लैकमेल किए जाने का आरोप लगाया है। अजमतगढ़ नगर पंचायत पिछले कई महीनों से घोटाले को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। घोटाले के ही मामले को लेकर 7 सभासदों ने नगर पंचायत से आज अपना इस्तीफा दे दिया। सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत के चेयरमैन बिना सभासदों के हस्ताक्षर करवाए अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत से विकास कार्यों में करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिए हैं। विकास के जिस मद में घोटाला हुआ है उस विकास कार्य का टेंडर तक नहीं निकाला गया और ना ही काम जमीन पर हुआ है। सभासदों का कहना है कि चेयरमैन और ईओ द्वारा सरकारी धन का गबन किया गया है, वो इसमें किसी भी प्रकार के भागीदारी नहीं है और ना ही वे जेल जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा एसडीएम पंकज कुमार को सौंप दिया। हम इस्तीफा इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमारे नगर में करोड़ों रुपये का घोटाला हो गया, जो कि बिना टेंडर बिना बोर्ड प्रस्ताव किए हमारे नगर अध्यक्ष द्वारा और हमारे ईओ द्वारा और हमारे बड़े बाबू द्वारा सारा पैसा धन निकाल लिया गया, जो कि इस्तीफा इसलिए हम लोग देना चाहते हैं क्योंकि हम लोग ना फंसे। इस्तीफा हम लोग 8 लोग दे रहे हैं। क्यों इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग जेल नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि नगर अध्यक्ष की गलती से हम लोग जेल नहीं जाना चाहते हैं और हमारे ईओ साहब भी। परेशान किया जा रहा है, सभासद उनको ब्लैकमेल कर रुपया ऐंठने की कोशिश में लगे हैं। सभासदों के आरोपों की जांच चल रही है, जांच के बाद पता चल जाएगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। घोटाला का जो आरोप लगा है ये सब फर्जी है, वो लोग हमसे आड़ में धान उगाही की चक्कर में हैं कि ऐसे ऐसे हम एप्लीकेशन देंगे तो चेयरमैन साहब हमको देंगे और ये सारा मामला खत्म हो जाएगा धान उगाही के चक्कर। कहीं ना कहीं से राजनीतिक विरोध हमारे साथ है और हमारे साथ कुछ राजनीतिक नेता लोग हैं, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जाँच हो और निष्पक्ष जाँच हो और सभी जो लोग जान जाए वो भी जान जाए कि करोड़ों का घोटाला हुआ है तो कहां पैसा गया है, कैसे खाता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।